किस, देखो यहाँ पे इसे प्रूव करना है तो इसका एलएचएस ले लेता हूं। दिया है साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा, तो मैं यहां पे करता हूं साइन का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहां पे उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, पावर में 8 है ना जी, तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब मैं यहाँ ये है ए और ये है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, एक बार माइनस में हो गया और फिर एक बार प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से स्क्वायर आ गया, तो एक बार माइनस प्लस में हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसको तो वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ में यही ना है, यहाँ है अच्छा, इसका वैल्यू 1 होता है, फिर ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो इसका भी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपका आरएचएस आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए।